इंडिया न्यूज हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिजवाना। दोस्तों, ऐसा होता है कि अक्सर में किचन में और फ्रिज में कई चीज़ें ऐसी होती हैं खाने की, कई ऐसी सब्जियां होती हैं जिनका हमें फ़ायदा नहीं पता होता है कि इनको खाने से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जिसको कहा जाता है बैंगन और लोग उसे मानते हैं बैगुन, मतलब उसमें कोई गुण नहीं मानते, लेकिन आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि बैंगन के कितने फ़ायदे हैं, बैंगन किन चीज़ों में हमारी मदद करता है, हम कैसे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, स्वास्थ्यवर्धक रह सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है बैंगन खाने से। तो चलिए यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ और ज़रा गौर से मेरी बात सुनिए, ताकि जो लोग बैंगन से जी चुराते हैं तो वो बैंगन खाने लगेंगे अगर वो इसके लाभ सुनेंगे, इसके फ़ायदे सुनेंगे। तो चलिए आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर आप बैंगन खाते हैं तो आपकी याददाश्त बढ़ जाती है, मतलब जिनकी याददाश्त कम है उनकी भी याददाश्त बढ़ जाती है। दूसरा यह है कि दिल की बीमारी, जिनको दिल की बीमारियों ने घेर रखा है, जो दिल की बीमारियों से परेशान हैं, वो काफ़ी हद तक अपने स्वास्थ्य को, अपने दिल को ठीक रख सकते हैं। और तीसरा आपको बताना चाहूँगी कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अपनी स्टेज में जो है, पहली स्टेज में ही वो अपना काम दिखाना शुरू करती है, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। उससे क्या होता है, कैंसर बहुत ज़्यादा, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, आसपास आपके आस पड़ोस में, परिवार में, घर में, हर जगह कैंसर पीड़ित लोग ज़रूर आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप उनको, कैंसर है जिनको, उनको बैंगन खाने की आप सलाह देंगे तो काफ़ी हद तक उनका स्वास्थ्य ठीक रह सकेगा। और जिनको पता चला है कि उन्हें कैंसर हो गया या उनकी फर्स्ट स्टेज है, तो उन लोगों को बैंगन ज़रूर खाने चाहिए। और आपको बताना चाहूँगी कि बैंगन जो है, पहली बात तो जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान छुड़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार है बैंगन। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका धूम्रपान, मतलब जो आप सेवन करते हैं सिगरेट का, बीड़ी का, तो वो आपकी आसानी से छूट सकती है यदि आप बैंगन का सेवन कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आपको अपना हृदय ठीक रखना है, अपना दिमाग ठीक रखना है, और आप अपने शरीर को जो है मजबूत रखना चाहते हैं, तो आप बैंगन का सेवन ज़रूर कीजिए। यदि आप बैंगन का सेवन नहीं करेंगे तो आप कई बीमारियों से घिर सकते हैं। और बैंगन से कभी भी मुँह मत बनाइए, उसको अच्छे मसाले डाल के वो करके बनाइए। और एक बात बताना चाहूँगी कि बैंगन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी बताती हूँ। आपको यदि लग रहा है कि आपको कैंसर हो गया है, फर्स्ट स्टेज पर आपको पता लग गई है, या फिर आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी पनप रही है, आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, आपका हृदय ठीक नहीं रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है या ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर रहता है, तो उनको ये करना है कि बैंगन को उबालते हैं, जब जैसे कि हमें भरता बनाना होता है बैंगन का, तो उबाल लेते हैं, जो उसका पानी होता है, तो पानी को आप क्या करेंगे, उस पानी को आपको फेंकना नहीं है, उसको सुबह ही, मतलब नहार मुँह आप पियेंगे, अगर डेली या हफ्ते में दो तीन बार भी आपने ये किया ना, एक दो महीने तक, तो ये आपकी सारी बीमारी हैं उससे आपको निजात मिल सकती है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ, ऐसे ही अच्छी जानकारी हम आपको इंडिया न्यूज़ हेल्थ पर देते रहते हैं और देते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ।